देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से। केवी जैन डिवीजन ब्यूरो चीफ एवं रुपसिन लोधी कैमरामैन के साथ। जबेरा थाना अंतर्गत 10 वर्ष की मासूम बालिका के साथ रात्रि समय मुंह दबाकर उठा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आरोपी की जानकारी कर ली गई है। वहीं उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों पर शासन द्वारा JCB चलाकर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। नाबालिग बच्ची की जो 10 वर्ष की उम्र थी उसके साथ जो दुराचार की, जो बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, इसमें पहले प्रारंभ में अज्ञात था, घटना अज्ञात थी। पुलिस की सक्रियता से और निरंतर प्रयास से आरोपी को हमने आइडेंटिफाइड किया और आइडेंटिफाइड करने के बाद पाया गया कि घटना के बाद जो है वह दुराचारी जो है वह यहाँ छोड़ करके के जंगल में चला गया है। हम उसकी निरंतर तलाश कर रहे हैं। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि दुराचारी और उसके परिवार के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था और टपरा बना रखा है। इसलिए प्रशासन राजस्व विभाग के द्वारा जब उसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि यह अतिक्रमण में है। पहले भी इस दुराचारी के परिवार को अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, सबक सिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि दुराचार का अंजाम यही होता है और शासन प्रशासन भी इसमें सख्त हैं और उसी तारतम्य में ये जो है अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई है।